दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति स्नान से पहले के दृश्य आप सभी हरिद्वार के हर की पैड़ी से देख सकते हैं। ठंड का कह सकते हैं हमला जो है वो जारी है, लगातार ठंड हो रही है इन दिनों में। आज की वीडियो में हम आपको हरिद्वार के हर की पैड़ी से ताज़ा दर्शन कराने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार को देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लगातार वीडियो लाते हैं और जानकारी भी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मौसम की। आज अच्छी बात यह है कि धूप हल्की हल्की दिखने लगी है, तो ठंड से थोड़ी सी राहत है, लेकिन ठंड का जो हमला है वो जारी है। पिछले कई दिनों से ज़बरदस्त ठंड पूरे उत्तराखंड में हुई है, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश में भी बहुत ज़्यादा ठंड हुई है। आप इन दृश्यों को देखें, हम आपको बाकी घाटों पर ले जाकर वहां से दर्शन कराएंगे। आप लोग जय गंगे माता जरूर लिखें। मकर संक्रांति स्नान से पहले के दृश्य आप सभी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे, जिसे जानने के बाद आप लोगों का खुशी का ठिकाना होगा, कह सकते हैं खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मालवीय घाट को देख सकते हैं आप लोग। मालवीय घाट मुख्य घाट है हर की पैड़ी का, यहाँ के ताज़ा दृश्य देख सकते हैं। मकर संक्रांति स्नान से दो तीन दिन पहले हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगती है, लेकिन इस बार ठंड की वजह से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, नॉर्मल ही लोग हैं। देखते हैं कल के दिन क्या होता है। ये देखिए इस तरफ है महिला घाट, पवित्र गंगा जल दर्शन कर सकते हैं, पवित्र गंगा जल के दिव्य दर्शन है ये। सुबह सुबह 10:30 बजे के आसपास की ये वीडियो है। आपको लेकर ब्रह्मकुंड घाट की ओर चलते हैं और कुछ दृश्य वहां के दिखाएंगे। अब आप सभी देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट के दिव्य दर्शन। ये वही जगह है जहां पर हरिद्वार की सबसे अच्छी माँ गंगे की आरती होती है। दर्शन करते जाइए। जल जो है ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और तभी आसानी से देख सकते हैं लोग कहां तक पहुंचे हैं। बीच धारा में इस समय पहुंचे हुए हैं और घुटने के आसपास गंगा जल दिख रहा है। और ऐसे भी जब कभी बड़ा स्नान आता है तो उसके उस दिन और उसके एक दिन पहले एक दिन बाद तक थोड़ा जल जो है वो कंट्रोल करके रखा जाता है, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, श्रद्धालु आए तो आसानी से स्नान कर सकें। आइए संजय पुल में खड़े होते हैं। सामने जो पुल है ये संजय पुल है, यहाँ पर खड़े होकर आपको दर्शन कराएंगे। अब हम बात करते हैं जो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, और वो खबर ये है कि मनसा देवी उड़न खटोला जो है वो शुरू हो चुका है। मनसा देवी उड़न खटोले की सर्विस आज 13 जनवरी से शुरू हो चुकी है। 31 दिसंबर के दिन से उड़न खटोला बंद किया गया था, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था, तो एक बार सेफ्टी के दृश्य से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको चेक करना था, तो IIT रुड़की की टीम आई थी, उन्होंने चेक किया, सब कुछ सही पाया गया, तो उड़न खटोले की सर्विस शुरू कर दी गई है। अब हम आपको गंगा जल के पास ले चलते हैं, पास से दर्शन कराएंगे। आप लोग जय गंगे माता लिखना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ये देख सकते हैं गंगा जल, पवित्र है ये गंगा जल, आप सभी दर्शन करते जाएं। आज की वीडियो कैसी लग रही है आपको, कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। हर वीडियो में अपनी एक राय जरूर दिया करें, क्या कमी है ये भी आप हमें बता सकते हैं, क्या और अच्छा हम सुधार कर सकते हैं ये भी हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब नाई घाट में हम पहुंच चुके हैं,
कुछ दृश्य यहाँ के हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है नाई घाट। आज मनसा देवी मंदिर भी यहाँ से नजर आ रहा है। पहाड़ों में जो धुंध छाई थी कुछ दिनों से, वो आज नहीं है, तो हम आपको मंदिर दिखाएंगे। ये रहा मनसा देवी मंदिर, देखिए हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये मनसा देवी मंदिर। देखिए, जय माता दी, जय मनसा देवी, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। आइए आपको दूसरी ओर ले चलते हैं। आपका कोई भी सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं, इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। कोई भी जानकारी आपको लेनी है आप वहां पर मैसेज कर दीजिए। अब मैं भागीरथ सेतु में आ चुका हूं और यहां से कुछ दृश्य आपको इस तरफ के दिखाएंगे। जब भी आप लोग हरिद्वार आते हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखें। घाट को, गंगा जल को किसी भी तरह से गंदा नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है। पुराने कपड़े, पन्निया, रैपर्स, ये सभी घाट पर नहीं छोड़ना है, ना ही गंगा जल में डालना है। बहुत सारे डस्टबिन रखे हुए हैं, आप वहीं पर उठाकर फेंकें। ये है संजय पुल, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं संजय पुल से कैसी हर की पड़ी नजर आ रही है। दोस्तों, अब हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। कल के दिन भी हम आपको दर्शन कराएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।